पेरेंट्स को अपने बच्चों की एजुकेशन की चिंता रहती है, इसलिए वो अच्छे स्कूल, अच्छी बुक्स, ट्यूशन और उनके लिए सभी प्रकार के इंतजामात करते हैं, परंतु वास्तु की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। अक्सर वो बच्चों के स्टडी रूम के वास्तु को निग्लेक्ट कर देते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि बच्चों के स्टडी रूम का वास्तु कैसा होना चाहिए। वास्तु में थोड़ा सा परिवर्तन करके, बच्चों के स्टडी रूम के रखरखाव में थोड़े से स्लाइड चेंजेस करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका मैं आज के इस एपिसोड में आपसे जिक्र करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए अंत तक और नोट करते रहिए कि आपको अपने बच्चे के स्टडी रूम में क्या क्या चेंजेस करना है। बच्चे का स्टडी रूम अगर दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि साउथ वेस्ट में है, तो वो अच्छा है, क्योंकि वहां पर बच्चे का फोकस अच्छा होता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि वहां पे मन का भटकाव नहीं होता या कम होता है। बच्चा जब टेबल पर पढ़ने के लिए बैठे तो उसका फेस इस प्रकार होना चाहिए कि या तो वो ईस्ट को फेस करता हो, या नॉर्थ को फेस करता हो, या नॉर्थ ईस्ट को फेस करता हो, तो ये एक अच्छा डायरेक्शन होता है बच्चे की स्टडी के लिए। कभी भी बच्चे को वॉल की तरफ फेस करके नहीं बैठना चाहिए। जैसे सामने वॉल आ रही है या ऐसा कोई ब्लंट आ रहा है जहां पर, वहां बैठ के पढ़ना उसके लिए गलत होता है। इसी प्रकार जब आपकी सीट हो तो सीट के ठीक पीछे डोर यानी दरवाजे का आना भी अच्छा नहीं माना जाता। हमेशा आप बच्चे को मोटिवेट करें कि वो बैठकर पढ़े, यानी कि टेबल चेयर पर बैठे और आराम से पढ़े। बिस्तर पर पढ़ना या बिस्तर पर खाना खाना, ये दोनों चीजें ही गलत होती हैं। जब भी आपका बच्चा स्टडी खत्म करता है, सोने जाता है, तो उसको ये जरूर एडवाइस करें कि वो उठने के पहले अपनी बुक्स को प्रॉपरली बंद कर दे, नोटबुक को भी बंद कर दे, उनको खुला ना छोड़े, क्योंकि वो खुला छोड़ना शुभता की ओर नहीं होता। आपको बच्चे के स्टडी रूम में ऐसा पोस्टर लगाना चाहिए, ऐसी पेंटिंग लगाना चाहिए, या तो जिसमें स्काई हो, खुला हुआ आकाश हो, या फिर उसमें ईगल हो जो कि उड़ता हुआ हो, तो ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है। बात कर रहे थे टेबल और चेयर की, तो मैं बताना चाहूंगा कि टेबल और चेयर वुडन हो तो बहुत अच्छी बात होती है। पर्टिकुलरली जो चेयर है उस पर कुछ वुडन का टच जरूर होना चाहिए, क्योंकि बॉडी से जब वुड टच होती रहेगी तो वो कंसंट्रेशन देती है और जो कुछ पड़ा हुआ होता है वो उनके दिमाग में जाता है, वो रिकॉल करने पे याद भी आता है। स्टडी रूम का नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार का क्लटर नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप बच्चों का एक बुक्स के लिए शेल्फ या रैक रख सकते हैं जहाँ पर कि वो बुक्स उसकी रखी जा सके, परंतु बुक्स वहाँ पर व्यवस्थित रूप से जमी हुई होना चाहिए और इस बात का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि ये बुक्स या ये रैक बाथरूम के पास ना हो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन स्टडी के लिए ठीक नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे कलर होना चाहिए स्टडी रूम में। स्टडी रूम में डार्क कलर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर लाइट कलर हो, पर्टिकुलरली अगर सफ़ेद हो तो अच्छी बात है, या लाइट क्रीम या लाइट येलो कलर भी आप रख सकते हैं। तो ये वो छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका पालन करके आप बच्चे के लिए एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। बच्चे के स्टडी रूम में आप मोर पंख लगाएं तो वह भी उसके लिए बहुत शुभ होगा, क्योंकि कहा जाता है कि मोर पंख लगाने से उनकी याददाश्त में वृद्धि होती है, वो जो कुछ पढ़ते हैं वहाँ पर कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है, और जब वो उसको रिकॉल करते हैं तो उनको याद भी आ जाता है। तो ये छोटे टिप्स हैं जो बच्चे के स्टडी रूम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके बच्चे के स्टडी रूम में आपने क्या परिवर्तन किए या आपको क्या दिक्कत आ रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमसे कुछ पूछना चाहें स्टडी रूम के बारे में तो हमसे ज़रूर पूछें, हम आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।